Big win today. What do you want to say? Raw emotions today. Your first thoughts after knowing that was your last over and on the winning side so many years later. I mean, feels obviously very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been. You know, this is something which was always a dream, and it's, you know, the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Yeah, just very happy for the group, and yeah, finally got this. हार्दिक पिछले कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं था, बहुत टफ रहा आपके लिए। वहाँ से ये जो थे, आपको लग रहा कोई ऊपर वाला आपके स्क्रिप्ट लिखा है? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीज़ें बोली गई, बड़ी सारी चीज़ें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं। हालात और यू नो चीज़ें जवाब दे सकती है, और मैंने वही जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में दैट यू नो आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और मुझे मैं ग्रेस पे बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू नो आवर फैंस और एवरीवन एल्स टू लर्न एज वेल दैट यू नो इररिलेवेंट क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफी खुश होंगे, और बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। हार्दिक, जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या, 2016 में भी आपने आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे, डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय बिकॉज यू गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स? आई थिंक इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट उस सेम टाइम आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज़, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपने स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। पूरे जो मतलब पूरा चीज़ जो होना चाहिए आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था, और बोलते मैंने पहले ही बोला था लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहो, सर नीचे रखूँ और हंसते रहो, और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक। सो बहुत रोहित हार्दिक एक बात बताइए, ये जो पूरा टूर्नामेंट है इसमें आपने पहले मिनट में तो बहुत ही शानदार बॉलिंग दी थी, इसमें तो आपके हाथ आके अपनी बैटिंग शानदार की, तो